हेलो स्टूडेंट्स, आइए एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपका 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, लेट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए प्लस वन डिवाइडेड बाई साइन ए, वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो, लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू। देन इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ x? x का मिनिमम वैल्यू क्या है? आपको ऑप्शंस दिया हुआ है। एंड सेकेंड क्वेश्चन है कि ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, डज x अटेंड द मिनिमम वैल्यू? यानी आपको क्या करना है, a का वैल्यू फाइंड आउट करना जहां पे x मिनिमम हो जाए, राइट? सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखना है। वो कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट ये है कि अगर दो पॉजिटिव नंबर्स a एंड b है, देन इन दोनों के बीच का अरिथमेटिक मीन, दैट इज am, होता है a प्लस बी बाई टू, ठीक है? और इन दोनों के बीच का ज्योमेट्रिक मीन gm होता है ए बी का स्क्वायर रूट, ठीक है? एंड हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, है ना? ये प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है? नो डाउट आप डिफरेंशिएशन का यूज करके भी कर सकते हो, बट ये वाला ज्यादा हेल्पफुल होगा। कैसे, एक बार देखते हैं इसको सॉल्व करके। चलिए, तो सबसे पहले अगर इस वाले एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करें, ये वाला जो एक्सप्रेशन है एक्स बराबर, तो एक्स बराबर आपका क्या है, देखो जरा, एक्स बराबर है, हम अगर अलग अलग कर लें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए, दैट इज हो जाएगा साइन ए प्लस, यहां पे साइन ए बाई साइन ए तो वन, एंड प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, वन बाई साइन ए, ठीक है? क्लियर है क्या? यानी यहां पे आपको ऐसा दिख रहा है अब कि साइन ए प्लस वन बाई साइन ए एंड प्लस वन, ये हो गया एक्स का वैल्यू अब, ठीक है ना? अब हम क्या करते हैं, इन दो के बारे में सोचते हैं, साइन ए एंड साइन ए, वन बाई साइन ए। आपको दे रखा है कि ए जीरो से पाई बाई टू, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए है तो साइन ए भी पॉजिटिव होगा, वन बाई साइन ए भी पॉजिटिव होगा, जो कि हमने कंडीशन रखा था, ठीक है? सो यहां पे आप ध्यान दीजिए, यहां पे आप क्या कर सकते हो, सो यहां पे आप ए एम ऑफ साइन ए एंड वन बाई साइन ए, साइन ए एंड वन बाई साइन ए का ए एम क्या होगा बताओ जरा, तो क्या लिख सकते हो आप? सो यहां पे आप लिख सकते हो साइन ए प्लस वन बाई साइन ए डिवाइडेड बाई टू, ये होगा ए एम, और जीएम क्या होगा, सो जीएम हो जाएगा साइन ए इंटू वन बाई साइन ए। अभी आपने पढ़ा था ना ए प्लस बी बाई टू, और ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर रूट, तो हम स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। सो ये हो गया एम और ये हो गया आपका जीएम, है ना? अभी हमने पढ़ा कि एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, ठीक है? सो ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस वन बाई साइन ए, और ये टू अगर इधर चला जाए तो ग्रेटर देन इक्वल टू टू, और ये तो वन हो जाएगा ना, राइट? अब हमें क्या चाहिए, साइन ए प्लस वन बाई साइन ए प्लस वन, तो यहां पे अगर वन ऐड कर दे दोनों साइड, तो अब क्या हो जाएगा, दोनों साइड वन ऐड कर दे तो साइन ए प्लस वन बाई साइन ए प्लस वन, ये कितना हो जाएगा, टू प्लस वन थ्री, यानी साइन ए प्लस वन बाई साइन ए प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू आपका थ्री या उससे बड़ा होगा, तो मिनिमम कितना हो गया, सो मिनिमम हो गया आपका थ्री, राइट? यानी फर्स्ट का ऑप्शन थ्री हो गया। अब आप बताइए कि ये मिनिमम किस वैल्यू पे आ रहा है, ये मिनिमम किस वैल्यू पे आएगा, तो जब साइन ए क्या हो जाए, वन हो जाए, वन प्लस वन प्लस वन, यानी साइन ए वन, तो साइन ए वन कब होगा, जब ए का वैल्यू पाई बाई टू हो जाएगा, तो इसका आंसर बी, डी हो जाएगा, राइट? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मेन आपका यही पे था ये कंसेप्ट, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। अगर आपको दो दिया हो तो दो से, नहीं तो आप तीन चार पांच कितना से भी कर सकते हो, राइट? एज फॉर एग्जाम्पल एक बार मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास ए वन, अगर आपके पास ए वन ए टू ए थ्री एंड बहुत सारे लाइक ए एन, अगर एन आपके पास नंबर्स हैं सारे पॉजिटिव हैं, सो इसका एम कितना हो जाएगा, सो एम ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री डॉट 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 प्लस ए एन डिवाइडेड बाई एन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वन इंटू ए टू
इंटू ए थ्री डॉट डॉट एन होल रेस टू द पावर वन बाई एन। आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है बस। अब तीन हो तो ये वन बाई थ्री हो जाएगा, यहाँ पे थ्री हो जाएगा। फोर हो तो ये वन दिस बाई फोर और यहाँ पे वन बाई फोर हो जाएगा। सो इससे रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, राइट। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।